जनपद बिजनौर के नवागत पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने गुरुवार की शाम 5 बजे थाना कोतवाली पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याएं सुनकर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त आदेश दिए। इस अवसर पर नगर व्यापार मंडल के लोगों ने व्यापारियों से संबंधित समस्याएं रखी। खादर क्षेत्र के लोगों ने खादर क्षेत्र में अवैध रूप से खींची जा रही शराब की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। अशोक नेता ने पशु कटान पर रोक तथा नगर में घूम रहे आवारा पशुओं पर रोक लगाने तथा उनके रख रखाव की व्यवस्था की गुहार लगाई। भाजपा नगर के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र त्यागी ने व्यापारियों के साथ हुए घटनाक्रम पर तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने मौके पर मौजूद लोगों से नगर व क्षेत्र में अपराधी तत्वों की जानकारी ली तथा मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि उनके दरवाजे हमेशा पीड़ित पक्ष के लिए खुले हुए हैं, कभी भी किसी भी समय आकर उनसे मिल सकते हैं। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी राकेश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक को पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। PLL न्यूज के लिए तारिक शेख की रिपोर्ट। नाम हुआ है सर, इस थाने के अंदर क्या कमी देखी सर आपने? अभी जनपद बिजनौर में मैं कल ही ज्वाइन किया है जी सर। अभी सभी थानों का मैं भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से वार्ता भी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं, कुछ लोगों ने शिकायतें भी करी हैं। अभी मैं सुन के और सबकी जांच करने के लिए दे रहा हूँ, जो भी पाया जाएगा उसी हिसाब से फिर कार्रवाई करवाई जाएगी। और लेकिन ये है कि यहाँ के लोगों से मिलकर बहुत कुछ लाभप्रद सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं और लोगों ने अपना सहयोग देने का मुझे आश्वासन दिया।